हेलो स्टूडेंट्स, सो फाइनली वेलकम टू गो टू साइंस। काफ़ी दिन जो है लग गया मुझे इस सारी चीज़ों को मैनेज करने में, थोड़ा सा मैं बिजी था, रियली सॉरी फॉर दैट। बट हम लोग आ गए हैं और मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है, क्योंकि पोर्शंस डिलीट हो गया, उसकी वीडियो मैंने डाल दिया कि क्या क्या डिलीट्स हुए हैं, तो वो आप जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या एनसीईआरटी में चैप्टर्स या टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं। ठीक है, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, उसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। अभी हम फिलहाल बात करेंगे क्लास 11th में चैप्टर 1 की, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, चैप्टर 1 पहले था फिजिकल वर्ल्ड, पर अभी जो है वो फर्स्ट चैप्टर कट चुका है, लेकिन वो भी मैं आप लोगों को एक ना एक दिन बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे, चूँकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था फिजिकल वर्ल्ड। लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस की बात अगर हम अभी करने लगें तो आपको फिर दिल करेगा सर वही पढ़ा दीजिए, अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट को। सो फाइनली वेलकम टू गो टू साइंस, स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ शहबाज अहमद, एंड हमारा सबसे जो फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो जनरली आता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन इस चैप्टर के नाम को थोड़ा सा हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, आई मीन थोड़ा सा तोड़ते हैं, जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आपको जाहिर सी बात है इस टॉपिक को, इस चैप्टर के नाम को देख के तो इतना समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर हम लोग यूनिट्स के बारे में बात करने वाले, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स और उसके मेजरमेंट्स की बात होगी, जैसे लेंथ की बात होगी, मास की बात होगी, तो इन सब की बात होने वाली है इस चैप्टर में। चूँकि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी जेई मेंस और नीट वगैरह में पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो इस चैप्टर से क्वेश्चंस भी ज़्यादा बनते हैं बच्चों, और ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो जनरली हमारे लिए थोड़ा सा जो ना टफ के कैटेगरी में आता है, चूँकि हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते इस चैप्टर पर, इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें वो ये है कि वैसे तो कहानी वगैरह बनाने का हम बना सकते थे, लेकिन सबसे पहले हम टॉपिक से सीधा स्टार्ट करते हैं, वो है फिजिकल क्वांटिटी। क्या है बच्चों? फिजिकल क्वांटिटीज़, राइट। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है बच्चों जो आपने 9th में भी पढ़ रखा है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, राइट। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? वो सारी क्वांटिटीज़ जो जनरली जिसको हम मेजर कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, उनको फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट, उनको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं बच्चों, राइट। मतलब उसको हम मेजर कर सकते हो सर, क्या कर सकते हैं? उनको हम मेजर कर सकते हो, और ऐसे क्वांटिटी को क्या बोला जाता है बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है, राइट। फिजिकल क्वांटिटी में जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे भाई एक बार बताओ, आपने लेंथ है तो लेंथ मेजर कर सकते हैं क्या? यस सर, बिल्कुल, हम स्केल से लेंथ को मेजर कर सकते हैं, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। मास को मेजर कर सकते हैं? यस सर, केजी में मास होता है, मेजर कर सकते हैं इसको हम लोग। डिस्टेंस, उसके बाद एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है, टेम्परेचर, टाइम, ये सारी चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं किसी न किसी चीज़ से। टाइम है सर, घड़ी देख के बता देते हैं, ठीक है। टेम्परेचर है, थर्मोमीटर से पता चल जाता है, तो ये सारी चीज़ें हैं ना। इलेक्ट्रिक करंट है तो सर एमीटर देख के पता चल जाता है, तो ये सारी चीज़ों को हम कहीं ना कहीं मेजर कर सकते हैं, और इसीलिए इन सारी चीज़ों का जनरली इन सारी चीज़ों को बोला गया है फिजिकल क्वांटिटीज़, राइट। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ है क्या बेसिकली, आप क्या बोलोगे? वो सारी क्वांटिटीज़ जो जिसको मेजर किया सकता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जरिए से, राइट, जिसको ना पाया तोला जा सकता है सर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जरिए से। एग्जांपल आप दे सकते हो, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें है ना। टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़। फोर्स है, एरिया है, मोमेंटम है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़। आई होप आपको ये चीज़ इतनी क्लियर हो गई होगी। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने का तरीका देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने का तरीका है, उसको हम लिखते हैं पी, है ना। फिजिकल क्वांटिटीज़ को मैं शॉर्टकट में ना पी क्यू लिखूंगा, समझ जाइएगा फिजिकल क्वांटिटी है। इसको फिजिकल करने का, इसको सॉरी एक्सप्रेस करने का तरीका बच्चों, इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, दो चीज़ों में इसको ध्यान रखना। एक होता है बच्चों न्यूमेरल वैल्यू, क्या होता है? एक होता है न्यूमेरल वैल्यू, एक होता है न्यूमेरल वैल्यू, और एक होता है क्या बच्चों? यूनिट। क्या होता है? यूनिट। इन चीज़ों से ही हम फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला गया कि आप चीनी लेकर आइए मार्केट से, मम्मी ने आपको बोला कि आप 5 kg चीनी ले आओ, तो जैसे आपने लिखा ना 5 kg शुगर, आपने चीनी का जो मास लिखा वो है 5 kg लिखा, तो बच्चों इस 5 kg में ये जो फिजिकल क्वांटिटी किसकी है? वैसे मास के बारे में बात चल रही है क्योंकि यूनिट देख के बता देंगे, तो इस मास के जो फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेशन, इसमें दो चीज़ है, एक सर नंबर है, इसको हम न्यूमेरल वैल्यू बोलेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू बोलेंगे, और एक हमारा बच्चों यूनिट। बिना नंबर के या बिना यूनिट के फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, इन दोनों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्लियर बच्चों? तो इसमें न्यूमेरल वैल्यू क्या हो गया? इसमें 5, और यूनिट क्या हो गया बच्चों? केजी। जैसे आपने कहीं पर लिखा हुआ देखा, आपने बोला कि आप अपने घर से अपने स्कूल, आपके घर से स्कूल कितनी दूर? आपने सर मेरे घर से मेरा स्कूल 5 kilometers है या 10 kilometers है। मान लेते हैं कि आपके घर से आपका स्कूल 10 kilometers है, तो बच्चों देखो ये भी डिस्टेंस की बात हो रही है, फिजिकल क्वांटिटी है, मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस को। इसमें भी दो चीज़ें, एक तो न्यूमेरल वैल्यू है और दूसरा क्या है बच्चों?
यूनिट है। तो हमने देखा इसमें एक न्यूमरल वैल्यू हो गया सर 10 और यूनिट कितना हो गया बच्चों किलोमीटर। ऐसे ही किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप बिना यूनिट के एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बिना न्यूमरल वैल्यू के एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप शुगर के शॉप पे गए और आपने शुगर के शॉप पे बोला जाकर के कि मुझे केजी चीनी दे दो, क्या ये कंप्लीट स्टेटमेंट है आपका? क्या आपकी तरफ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जो शॉपकीपर को मिलेगा? नहीं, आप वो शॉपकीपर कंफ्यूज हो जाएगा। केजी चीनी क्या मतलब है? केजी का मतलब हो सकता है 5 केजी, 10 केजी, 1 केजी, 2 केजी, कितना चीनी? तो देखो यहाँ पर आपने नंबर नहीं बताया, सिर्फ केजी बोला। तो इस फिजिकल नहीं, मास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमने एक्सप्रेस नहीं कर पाए विदाउट न्यूमरल वैल्यू। हमने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे आपने बोला मेरा स्कूल घर से किलोमीटर दूर है, कितना किलोमीटर? नंबर तो बताना पड़ेगा ना। तो देखो नंबर का कितना इंपॉर्टेंस है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। दूसरी चीज, अब नंबर बता दो आपने और उसको ना यूनिट नहीं बताओ, क्या बताओ? यूनिट बताओ। आपने बोला शॉपकीपर के पास गए और चीनी लेने गए और चीनी के दुकान पे आपने जाके बोला कि मुझे ना 5 चीनी दे दो, उल्टा शॉपकीपर खामखाई आप पे भड़क जाएगा। तो 5 चीनी का क्या मतलब है? आप उसको यूनिट तो बताओ कुछ। अब ये भी नहीं बोल सकते कि 5 किलोमीटर चीनी दे दो, क्योंकि हर स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी की एक स्पेसिफिक यूनिट होती है। तो आपने बोला 5 केजी चीनी दे दो, तब समझ में आ जाएगा। देखो आपने केजी लगाते ही दुकानदार जो है शॉपकीपर जो वो समझ जाएगा कि आप 5 केजी चीनी की बात कर रहे हो, मास उसका 5 केजी है। तो कहने का मतलब है बच्चों यूनिट का भी बहुत इंपॉर्टेंस है और न्यूमेरल वैल्यू का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। आपका घर आपके स्कूल से 2 किलोमीटर होगा, कोई ऐसा बोलेगा मेरा घर मेरे स्कूल से जो है 5 दूर है, 10 दूर है? क्या मतलब 10 दूर है? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, कितना? तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि बिना न्यूमेरल वैल्यू और बिना यूनिट के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। बच्चों समझ आई बात? इतनी बात आप लोग याद रखिएगा, फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेशन फॉर फिजिकल क्वांटिटी इज दिस, है ना, लाइक दिस। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो इस चीज़ को। अब हम चलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स पर। बच्चों टाइप्स के क्या मतलब है सर? फिजिकल क्वांटिटी के कौन से टाइप्स होते हैं? तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज के टोटल, वैसे तो आपने 9th में पढ़ा होगा सर, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर, पर मैं स्केलर और वेक्टर की बात जो है ना वो इस चैप्टर में नहीं करूँगा। स्केलर और वेक्टर की बात जो होगी बच्चों वो होगा चैप्टर 3 या चैप्टर 4 में होगा बेसिकली, वैसे अभी के हिसाब से चैप्टर 3 में होगा, ठीक है? तो स्केलर वेक्टर की बात करेंगे उसके अंदर, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी के 3 टाइप्स की बात कर रहे हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर यू नो यूनिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेजरमेंट्स। 3 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है। पहला होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, पहला क्या होता है बच्चों? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और तीसरा है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है बच्चों? तो पहला क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल। तो सबसे फर्स्ट टाइप की बात करते हैं हम लोग, फंडामेंटल फिजिकल, मैं पी क्यू को फिजिकल क्वांटिटी लिखूंगा, राइट बच्चों? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है सर? मैं एक्चुअली यहाँ पर ना थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूँ ताकि आपको एक ही बार में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो मैं इसको इधर लिखता हूँ, पहला है फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है बच्चों? उसके बाद डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्या बच्चों? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और उसके बाद क्या है बच्चों? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल में सर कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? पहले आपसे ये पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो आप क्या बोलोगे? फंडामेंटल का मतलब होता है सर बिल्कुल बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज टोटल 7 है बच्चों। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं? 7 है, इसलिए इसको फंडामेंटल कहा जाता है, बिकॉज ये क्वांटिटीज जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो किसी चीज़ से मिलके नहीं बना, उसकी एक अलग कहानी है बच्चों, उसकी एक अलग स्टोरी है, वो किसी से मिलके नहीं बना, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो खुद में एक बेसिक फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है। हाँ, उस फिजिकल क्वांटिटी का यूज़ करके अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज बनाया जा सकता है, लेकिन वो किसी से नहीं बनाए, वो किसी से नहीं बना। जैसे लेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी से मिलकर नहीं बना, लेकिन लेंथ से बहुत सारी चीज़ें बनी है, जैसे एरिया, वॉल्यूम, ये सब लेंथ से बना हुआ, राइट? लेंथ इनटू ब्रेथ, आप पढ़ते हो ना, ब्रेथ भी एक तरह की लेंथ ही है, हाइट भी एक तरह की लेंथ ही है। तो बच्चों कुल मिला के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आपको समझ में आ गया होगा क्या है। तो जरा कौन कौन है उसकी बात कर लेते हैं बच्चों। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में जो सबसे पहला है वो है लेंथ, एक एक करके बात कर लेते हैं लेंथ। उसके बाद है बच्चों मास, उसके बाद है टाइम, ठीक है, उसके बाद है टेम्परेचर, उसके बाद है इलेक्ट्रिक, उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद है बच्चों ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट की ये इंटेंसिटी नापने का एक क्वांटिटी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसके बाद है जनरली बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या है अमाउंट? कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। और लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या बच्चों? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, फाइनली मैंने बायजूस को अलविदा कह दिया है। मैं बायजूस में काम कर रहा था, एक्चुअली फिजिक्स फैकल्टी के तौर पे था, लेकिन
चूँकि मैं थोड़ा खुल के वीडियो नहीं बना पा रहा था बच्चों आपके लिए, और मुझे बहुत ओपन रहने की आदत है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा किसी के रिस्ट्रिक्शंस में नहीं रह सकता। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, चूँकि लोकेशन भी मेरा थोड़ा अलग था और मैं थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था, बिज़ी था, इसलिए मैं सोचा कि ठीक है मैं अगर एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ और मुझे जब तक मैं जो चाहता हूँ अगर मैं वही नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या फ़ायदा। तो बायजूस तो चलो एक अर्निंग का सोर्स था और मैं अच्छा भी लग रहा था वहाँ पे पढ़ाने में, बच्चे भी बहुत अच्छे थे वहाँ के, लेकिन चूंकि ये मेरा इंटरेस्ट है बच्चों, ये मेरा शौक है एक तरह का, आई मीन यूट्यूब पे पढ़ाना बच्चों को ना, बहुत सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना मेरा शौक है। तो अब मेरा शौक ही वहाँ पे पूरा ना हो, जो एक जायज़ शौक है, ऐसा नहीं कोई ख़राब है वैसी चीज़ें, तो क्या फ़ायदा, फिर मन नहीं लग रहा था मेरा, इसलिए मैंने छोड़ दिया बच्चों। और अब मैं फुल टाइम आपके लिए हूँ, ठीक है, और करेंगे साथ, आपका भी सपोर्ट रहेगा तो और अच्छी बात है, वरना मैं तो डेडिकेशन के साथ जैसे पढ़ाता था वैसे पढ़ाता ही रहूँगा, ठीक है। जेई मेन्स हो है ना, या जेई एडवांस हो, नीट हो, 11th 12th हो, 9th 10th हो, सारे सिलेबस को मैं कवर करने वाला हूँ। वो सारी चीज़ें जो टीचर्स जनरली एक पेड बैच में देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, मैं आपको पेड बैच, कोई ऐसा पेड वर्जन बनाने वाला नहीं हूँ, मैं सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मटेरियल्स हैं, क्योंकि मैं इकट्ठा ही कर रहा था पिछले 1-2 सालों में मटेरियल्स, और बहुत सारे मटेरियल्स हैं मेरे पास, और सारे मटेरियल्स यानी मटेरियल से क्या होता है, जब तक उस चीज़ को आपके दिमाग में अच्छे से फिट ना किया जाए वो मैं फिट कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए खैर, तो लेंथ का क्या है, लेंथ की असाइनमेंट क्या होती है बच्चों, अपने काम पे आते हैं अपने जो है टॉपिक में, लेंथ की असाइनमेंट होती है बच्चों मीटर, सबको पता है। मास की यूनिट बच्चों क्या होती है, केजी, एसआई सिस्टम, स्टैंडर्ड यूनिट की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। टाइम की यूनिट क्या होती है बच्चों, टाइम की यूनिट होती है जनरली सेकंड, ठीक है। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है बच्चों, केल्विन, वैसे तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, पर स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, एसआई यूनिट केल्विन है, ओके लिख देता हूँ केल्विन, ठीक है बच्चों, ओके। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, आपने 10th में अभी भी पढ़ा होगा, एम्पियर होता है बच्चों, क्या होता है, एम्पियर, राइट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये थोड़ा सा नया होगा आपके लिए, इसका होता है कैंडेला, राइट बच्चों, क्या होता है, कैंडेला, सीडी से डिनोट करते हैं इसका। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आपने 9th में पढ़ाई होगा, इसको बोलते हैं मोल, इसकी यूनिट क्या बच्चों, मोल। तो इस तरह से जनरली हम ऐसा यूनिट की बात कर सकते हैं, ठीक है, इन सब के। अब आते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बच्चों। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, डिराइव्ड मतलब ये सारे डिराइव किए गए हैं किससे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ पे डिपेंडेंट क्वांटिटी, ये दीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, ये सिर्फ और सिर्फ खुद से, ये किसी से मिलकर नहीं बना, इससे बहुत सारे क्वांटिटीज बनाए गए, जैसे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज इनसे बनाए गए। तो बच्चों जो डिराइव किया जाए इनसे उनको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे, और इसकी लिस्ट की गिनती नहीं है बच्चों, इतनी बड़ी लिस्ट बन जाएगी, यहाँ तो जगह भी कम है, तो कहने का मतलब बहुत है। जैसे मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे, एरिया है बच्चों, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, या लेंथ इनटू लेंथ भी लिख देते हैं इसको, राइट। इसकी यूनिट जो होती है वो मीटर स्क्वायर होती है बच्चों। उसके बाद क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है, जैसे तो वॉल्यूम का क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम का लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है, राइट, इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब। बहुत है बच्चों, देखो ना, लेंथ से इतने सारे क्वांटिटीज बन गए। उसके बाद क्या बच्चों, स्पीड है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस, स्पीड या वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगी इसकी यूनिट बच्चों। देखो डिस्टेंस यानी लेंथ और टाइम से मिलकर बना, देखो लेंथ और टाइम से मिलकर बना बच्चों, तो इन्हीं से मिलकर बनेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे मैं अगर फोर्स की बात करूँ बच्चों, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन, तो इसमें मास आ गया और एक्सेलरेशन में आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब लेंथ और टाइम ये दोनों आ गया इसके अंदर, राइट बच्चों। तो मास इसका क्या होता है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच्चों, ठीक है। उसके बाद आ गया सर मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू में वेलोसिटी, ठीक है। तो मास का क्या हो जाएगा, केजी, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट बन जाएगी मीटर पर सेकंड बन जाएगी बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/ टाइम पीरियड होता है बच्चों, या इसको हम 1/ टाइम के लिए क्या होता है, सेकंड होता है, तो इसके हमने सेकंड लिखा, या इसको हम सेकंड इनवर्स लिख देते बच्चों इस तरह से। तो ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होगी, ठीक है बच्चों। इसी तरह से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, बहुत है, कितना लिखोगे आप, एक्सेलरेशन आपको फोर्स हो ही गया ऊपर, ठीक है। जैसे एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, 1/2 mv², देखो ना, मास और वेलोसिटी से मिलकर बनाए। तो ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो डिराइव किया गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आपने जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ी है 9th क्लास में पिछले, या 10th में आपने जो क्वांटिटीज पढ़ा होगा, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क, पावर, एनर्जी, एवरीथिंग, एवरी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि इनसे डिराइव करके बनाया गया है, या इन सारे फंडामेंटल का यूज करके बनाया गया, उनको हम कहेंगे बच्चों डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। आप बहुत सारे एग्जांपल्स के लिख सकते हो। अब आते हैं, क्योंकि हम थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इसलिए इतना ज्यादा हम वास्ट नहीं जाएंगे, इतना सीधा आसमान पर नहीं जाएंगे, थोड़ा आराम समझेंगे। उसके बाद बच्चों सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्या होता है, देखो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो एक जो इंडिपेंडेंट होता है, वो भी इंडिपेंडेंट है बच्चों। अब ये सर इंडिपेंडेंट है तो इसको फिर हम फंडामेंटल में क्यों नहीं रख देते, राइट, इसमें रख सकते थे, लेकिन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करके हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज तो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये इंडिपेंडेंट तो है लेकिन इन क्वांटिटीज का यूज करके हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज नहीं बना सकते।
मतलब ना तो ये किसी से बना है और ना इससे कुछ बना है, इसलिए इसका एक अलग ही कैटेगरी बना दिया गया, दैट इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। इसके बारे में क्या है कि सर ये तो किसी से नहीं बना, पर इससे बहुत सारी चीज़ें बनी है डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज में। तो सप्लीमेंट्री में बच्चों आपको सिर्फ दो ही फिजिकल क्वांटिटीज हैं, पहला है बच्चों एंगल, या फिर इसको प्लेन एंगल भी बोलते हैं। क्या बच्चों? एंगल, या फिर इसका नाम और क्या होता है? प्लेन एंगल। ठीक है बच्चों, प्लेन एंगल। अच्छा, एंगल या प्लेन एंगल, इसका जनरली इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? इसकी यूनिट होती है रेडियन। क्या होती है बच्चों? इसकी यूनिट है रेडियन। ठीक है, और दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा जो प्लेन एंगल का ही मतलब है, जैसे एक लाइन ऐसे है, दूसरी लाइन ऐसे है, दो लाइन के बीच बने एंगल, क्योंकि इंक्लाइनेशन होता है। जैसे इसके बीच जो एंगल है बच्चों 60 डिग्री मान लो, तो ये एंगल कहलाता है। जो नॉर्मली आपने मैथ्स में एंगल पढ़ा है ना, वही एंगल की यहाँ पे प्लेन एंगल की बात हो रही है। राइट, प्लेन मतलब ये 2D की बात हो रही है, प्लेन मतलब बच्चों यहाँ पे 2D की बात हो रही है, यार ध्यान रखिएगा। दूसरा जो है बच्चों वो है सॉलिड एंगल, ये 2D की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे आप सब आइसक्रीम खाते हैं, बिल्कुल गर्मी का टाइम है सर, खाते हैं, तो हमने क्या किया, ये ऐसा एक कोन बनाया, आइसक्रीम का कोन होता ना। अब बताओ कोन क्या 2D ऑब्जेक्ट है? ये तो 3D ऑब्जेक्ट है सर। तो इसका जो कोन का जो ये एंगल होता है बच्चों, ये वाला जो एंगल होता है, इसी एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल। जैसे आप जिस घर में हो, जिस रूम में बैठो ना, उस रूम के एक कोने को देखो, जहाँ पे 3 दीवारें मिल रही है, वो एंगल दिख रहा है आपको, उसी एंगल को सॉलिड एंगल बोलते हैं बच्चों। और वो 3D की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बच्चों? ये 3D की बात हो रही है। और सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है बच्चों, वो होता है स्टेरेडियन। क्या होता है बच्चों? स्टेरेडियन। क्लियर है? स्टेरेडियन। तो ये जनरली क्या हो गया? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हो गए। तो इस तरह से तीन तरह के फिजिकल क्वांटिटीज है, 3 types ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज वी हैव। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, और तीनों में आपको एक तरह का डिफरेंस भी नजर आएगा, तीनों की डेफिनेशन भी बता दी मैंने आपको। राइट, सप्लीमेंट्री में आपको यही बोलना है कि दीज आर इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज, बट बाय यूजिंग दीज क्वांटिटीज वी कैन नॉट डिराइव एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, दीज आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, बट बाय यूजिंग दीज क्वांटिटीज वी कैन नॉट इवन डिराइव एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज। हम ये बात लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन के अंदर। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्या क्या सीखा अभी हमने? हमने सीखा कि सर फिजिकल क्वांटिटीज होते क्या हैं, फिर हमने सीखा एक्सप्रेस कैसे करेंगे सर फिजिकल क्वांटिटीज को, फिर हमने क्या सीखा, फिर हमने सीखा सर फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स कितने हैं। तो 3 types ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हमने देख लिया, फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा ना यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात कर लेंगे। याद होगा आपने शायद बचपन में पढ़ा भी होगा यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आप लेंथ की यूनिट की अगर मैं बात करूँ, तो आप लेंथ यूनिट सेंटीमीटर भी ले लेते हो, कभी कभी मीटर भी लेते हो, और कभी कभी किलोमीटर भी लेते हो। तो बच्चों ये सारी जो यूनिट्स बने, सेंटीमीटर और मीटर, ये सबका एक अलग अलग दौर था। कभी सेंटीमीटर यूज होता था, कभी मीटर यूज होता था। लेकिन उस सबसे पहले अगर मैं बिल्कुल भूतकाल की बात करूँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा पीछे चला जाऊँ, एंशियंट टाइम की बात करूँ, तो उस टाइम पर लोग ज़्यादातर जनरली यार्ड यूज़ करते थे, फीट यूज है ना, फुट यूज़ करते थे, है ना, हैंड की जो लेंथ होती है ना, वो यूज़ करते थे उस टाइम पे लोग। तो है ना, तो इसमें बहुत इनकन्वीनियंस होता था, क्योंकि हाथ की लेंथ अलग अलग पर्सन की अलग अलग होती है ना, एक यार्ड की लेंथ अलग अलग पर्सन की अलग अलग होती है। तो इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ जाता था, जिससे बहुत इनकन्वीनियंस होता था हम लोगों को मेजरमेंट करने में। इसीलिए इन सबको साइड करके अलग अलग एक स्टैंडर्ड यूनिट्स लाया गया। तो वो यूनिट्स के अलग अलग सिस्टम थे, जैसे सेंटीमीटर का सिस्टम अलग था, मीटर का सिस्टम अलग था, है ना, किलोग्राम का अलग था, ग्राम का अलग था। तो इन सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया, जिनको हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। और टोटल हमें 2-3-4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ने होते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो सिस्टम ऑफ यूनिट है बच्चों, वो है हमारा CGS सिस्टम। चूंकि ये बोर्ड काफ़ी दिन से जो है इस पर लिखा नहीं गया बच्चों, तो थोड़ा सा ये परेशान कर रहा है। बहुत दिनों से, पूरा 1 साल गुजर गया है इस पर लिखे हुए बच्चों, तो ऑब्वियसली इसका जंग छुड़ाने में टाइम लगेगा, बट डोंट वरी, बहुत जल्दी छूटेगा। ओके, तो मैंने कहा आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको ना CGS सिस्टम क्या है बच्चों, CGS सिस्टम, ठीक है। CGS में क्या है, मतलब ये सब पता है क्या? CGS या कोई भी, मैं अभी बताऊंगा ना सिस्टम ऑफ यूनिट, क्या बता रहा हूँ मैं आपको, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें पहला क्या CGS, मतलब C फॉर सेंटीमीटर फॉर लेंथ, G फॉर ग्राम, ग्राम फॉर मास, और S फॉर सेकंड फॉर टाइम। ध्यान रखना, यानी कि लेंथ, मास और टाइम के लिए ही मैं अभी सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताऊंगा, पेपर में भी यही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये CGS सिस्टम क्या होता है भाई? CGS सिस्टम ऐसे सिस्टम है जिसके अंदर लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में रखा जाता है। ऐसे सिस्टम को CGS सिस्टम कहते हैं। ये पहला हो गया बच्चों। दूसरा जो सिस्टम है वो है बच्चों FPS सिस्टम। क्या है FPS? FPS का मतलब सर लेंथ को जो है वो फुट में रखा जाएगा, ठीक है बच्चों, और पी मतलब पाउंड, यानी मास को पाउंड में रखेंगे, ऐसा सिस्टम है, और टाइम के लिए सेकंड रहेगा। तो ये इस तरह का सिस्टम होता है सर। ओके, तीसरा जो सिस्टम है बच्चों, तीसरा सिस्टम वो है हमारा MKS सिस्टम। क्या है बच्चों? MKS सिस्टम। M मतलब यहाँ पर हो गया बच्चों मीटर, M मतलब क्या हो गया? मीटर मतलब लेंथ के लिए यहाँ पर मीटर यूज होगा, K मतलब हो गया बच्चों किलोग्राम यानी kg, और ये मास के लिए होता है, और टाइम के लिए होगा बच्चों सेकंड, ये MKS सिस्टम। और लास्ट में फाइनली जो एक फाइनल मॉडिफाइड सिस्टम आया, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है बच्चों, जिसको हम SI यूनिट के नाम से सुना होगा आपने 9th और 10th में। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं, चाहो तो आप इसको लिख लेना कहीं पर। और
इस सिस्टम में जनरली लेंथ को, किसको बच्चों, लेंथ को मीटर में ही लेंगे, मास को किलोग्राम में लेंगे, किलोग्राम में लेंगे, और टाइम को सेकंड में लेंगे। बच्चों किसको लेंगे, टाइम को सेकंड में लेंगे। तो इस तरह से जनरली हम लोग एसआई सिस्टम की, अब एसआई सिस्टम आपको ना बिल्कुल हूबहू एमके सिस्टम लगेगा, इसी से इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है ये हमारा। तो इस तरह से जनरली हम लोग अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात कर लेंगे। आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी, आज की क्लास इतनी ही रहने देते हैं, अगली क्लास से हम लोग थोड़ा सा और लंबी क्लास चलेगी, क्योंकि हमें इस चैप्टर को फौरन जल्दी से खत्म करना है, आगे एग्जाम्स भी आने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए मैं आपका जनरली ये चैप्टर जो है वो कंटिन्यू रखूँगा। आपको अगर ये चीज़ें समझ में आई है, लग रहा है चीज़ें आसान है, इलेवंथ है चूँकि थोड़ा हल्के हाथ रखना पड़ेगा, ज़्यादा हम सीधा आसमान पर नहीं जाएंगे, तो आप लोग इस वीडियो पे बने रहिएगा नेक्स्ट क्लास में भी। और बने रहने के लिए आपको जाहिर सी बात है आपको सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन प्रेस करोगे, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा अगले वीडियोस की। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस भी बीच बीच में देता रहूँगा, लाइव डाउट सेशंस भी होंगे। वो कब होंगे अभी डेट में अभी बता नहीं रहा, अगर आप मेरे चैनल पर बने रहोगे तो आपको नोटिफिकेशन उस चीज़ की मिल जाएगी कि लाइव डाउट सेशन या लाइव क्लासेस कब शेड्यूल होंगी। ठीक है बच्चों, फिलहाल मिलते हैं, अभी इतना ही रखते हैं आज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, और शेयर कर दीजिएगा जिन बच्चों के पास, अगर आपको लग रहा है किसी को जरूरत है तो आप उनको शेयर भी करिएगा, वीडियोस को शेयर नहीं करते हम लोग, राइट? ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।